हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्यामल और आपका स्वागत है श्यामल्स कुकिंग चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ एक पास्ता की रेसिपी शेयर करने वाली हूं। बेसिकली इस पास्ता को मैंने नाम दिया है इंडो चाइनीज पास्ता। ये इसलिए क्योंकि मैंने इसमें इंडियन फ्लेवर प्लस चाइनीज फ्लेवर इन दोनों का इस्तेमाल करके इस पास्ता को बनाया है, जो खाने में काफी डिलीशियस और बिल्कुल मजे का बनता है। ये पास्ता मैंने मेरी डॉटर के टिफिन के लिए बनाया था, उसको ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा था और तब से ऐसा पास्ता मैं उसके लिए कई बार बना चुकी हूँ, तो सोचा ये रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। अब यहाँ पे एक पतीले में मैंने पानी को गर्म कर लिया है। अब डाल दिया है इसमें तेल और नमक। तेल इसलिए डाल रहे हैं ताकि पास्ता आपस में चिपके ना, और नमक इसलिए डालेंगे ताकि पास्ता अंदर से थोड़ा सा नमकीन लगे। इस शेप का पास्ता मैंने यूज किया है, आप इसकी जगह कोई किसी भी शेप का पास्ता यूज कर सकते हो। देखो मैक्रोनी आपने यहाँ पे यूज की तो भी चलेगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस को फॉलो करना अगर आप मैक्रोनी बनाना चाहते हो तो। थोड़ा सा मिक्स कर देंगे इसे और फ्लेम पे रखा है मैंने हाई पर, और इसे हल्का सा थोड़ा सा कवर कर देंगे। आपको ढक्कन को ऐसे रखना है कि स्टीम निकलने के लिए थोड़ी सी जगह होनी चाहिए, वरना ये ओवरफ्लो हो जाएगा। अब आप देख सकते हो पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है, पास्ता भी अच्छे से बॉईल हो चुका है। मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। मैं अब आपको दिखा देती हूँ, हम पहले चेक करेंगे कि पास्ता पका है या नहीं। तो इसके लिए थोड़ा सा पास्ता प्लेट में ले ले और उसे तोड़ के देखे। बिल्कुल आराम से अगर आपका पास्ता टूट रहा है इस तरह से, तो इसका मतलब है कि पास्ता डन हो चुका है। अब हम पास्ता को ड्रेन करने वाले हैं। चाहे तो आप इसे पूरा बर्तन एक छन्नी में ड्रेन कर सकते हो, ये पानी हमें नहीं यूज करना है, या फिर इस तरह से स्ट्रेनर से आपने इसे निकाल लेना है और एक प्लेट में निकालते जाना है। अब यहाँ पे मैंने सारा पास्ता निकाल लिया है, हम इसके ऊपर और एक प्लेट रख देंगे ताकि इसमें इसके अंदर जो भी स्टीम है फिर से दोबारा से और थोड़ा सा कुक हो जाए, नरम हो जाए। अब लगाएंगे इसको तड़का। तो तड़का लगाने के लिए कढ़ाई में मैंने डाल दिया है 2 बड़े चम्मच तेल। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे इंडियन तड़का, यानी कि सरसों तो डालना पड़ेगा, तो सरसों और जीरा का मैंने इस पर तड़का लगा दिया है। बहुत ज्यादा मजे का बनता है, ट्राई करके देखिएगा फ्रेंड जरूर। सरसों और जीरा अच्छे से फूल चुका है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कटी हुई प्याज। सब्जियां जो मैं यहाँ पर यूज़ करी हूँ, मैंने मेरे मनपसंद की यूज़ की है। आप सब्जियां कम या ज़्यादा, थोड़ी अलग जो आपको पसंद है वो यूज़ कर सकते हो। तो अभी प्याज इसमें जाएगी, तो प्याज तो हमने डाल दी है। अब हम प्याज को अच्छे से भुनेंगे जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट। जिंजर गार्लिक का पेस्ट प्याज डालने के बाद ही डालिएगा, क्योंकि ये पेस्ट बनाते समय इसमें पानी होता है। आपने डायरेक्ट इसे तेल में डाल दिया तो इसकी चीटें आप पर उड़ेंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने यहाँ पर डाल दिया है। आप चाहो तो इसकी जगह घसा हुआ जिंजर गार्लिक भी डाल सकते हो, कूटा हुआ डाल सकते हो। पेस्ट मेरे पास था तो मैंने पेस्ट का यूज कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ शिमला मिर्च। शिमला मिर्च की जगह आप अलग अलग कलर की शिमला मिर्च आती है वो यूज कर सकते हो, गाजर यूज कर सकते हो, हरे मटर भी इसमें यूज किए जा सकते हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये टमाटर। शिमला मिर्च को मैंने ज्यादा नहीं पकाया है क्योंकि मुझे उसका क्रंची फ्लेवर रखना था, और टमाटर को भी हम हल्का सा गला लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं पकाएंगे। तो देखिए अब ये सारे चीजें अच्छे से पक चुकी हैं। अब इसमें जाएंगे इंडियन मसाले, जैसे कि है लाल मिर्च का पाउडर, तो अपने हिसाब से डाले। तो यहाँ पर मैं 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर मैंने मिला दिया है। अब जाएगा इसमें गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है, इंडियन मसालों के साथ इसे इंडियन फ्लेवर मिल चुका है। अब बारी है इसे चाइनीज फ्लेवर देने की। तो इसके अंदर जाएंगे कुछ सॉसेस, जैसे कि अब मैं डाल रही हूँ ग्रीन चिली सॉस। तो ग्रीन चिली सॉस को आपको 1 चम्मच डाल देना है। अब इसमें हम डालेंगे शेजवान चटनी। शेजवान चटनी जरूर से डालिएगा, शेजवान चटनी से इसे और भी अच्छा फ्लेवर मिल जाता है। 1 चम्मच शेजवान चटनी मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ। अब हम यहाँ पे डालेंगे टोमेटो केचप या टोमेटो सॉस भी यहाँ पर आप यूज कर सकते हो, ये मैंने 2 बड़े चम्मच डाला है। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच सोया सॉस। मैंने खट्टेपन के लिए इसमें टमाटर का यूज किया था, इसलिए मैंने इसमें विनेगर को नहीं मिलाया है। आप अगर इसमें टमाटर नहीं यूज करना चाहते तो थोड़ा सा विनेगर आपने डाला तो भी चलेगा। तो अब इसे इस तरह से चाइनीज तड़का भी लग चुका है। मसाले को बस हमने 2 मिनट तक भुना है अच्छे से। मसाला भून जाने के बाद हम इसमें डालेंगे ये पास्ता। अब ये पास्ता बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, देखिए कितना फूल चुका है। ये सारा पास्ता अब हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से मिल चुका है। मैं इसमें डाल रही हूँ बिल्कुल हल्का सा नमक, क्योंकि सॉसेस में भी नमक होता है, तो नमक को थोड़ा हिसाब से डालें। और इसे अच्छे से और एक बार हम टॉस कर लेंगे। अब इसमें जाएगी सबसे आखिरी चीज, जो है हरा धनिया। हरा धनिया डालने से इसे और भी ज्यादा अच्छा फ्लेवर मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ये डिश आप अपने बच्चों के लिए जरूर बना के देखना, चाहे टिफिन में बनाओ, नाश्ते में बनाओ, शाम के नाश्ते में बनाओ। तो फ्रेंड्स ये आपके बच्चों को कैसा लगता है, आपको कैसा लगता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके आपने कमेंट करना है ये कैसा लगा था। और फ्रेंड्स अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है प्लीज उसको मेरे लिए दबा दीजिएगा। ये देखिए पास्ता का टेक्सचर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत आया है। तो बस अब इसकी खुशबू भी पूरे घर में फैल चुकी है। तो फ्रेंड्स
आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करके देखिएगा और अगर अच्छी लगती है तो चैनल के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे बस दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसी ही अच्छी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।